वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बहुत सारे बच्चों का, हज़ारों बच्चों का डिमांड है कि सर एक क्लास आप मुझे वह बेसिक देना जिसमें अंग्रेजी का शुरुआत कहाँ से करें, मतलब अंग्रेजी शुरुआत करें तो कहाँ से करें, वो बेस क्या हो। तो मैं तो कहता हूँ ना कि अंग्रेजी बिल्कुल अल्फ़ाबेट से पढ़ो। अगर मेरे अनुसार चलोगे तो अंग्रेजी की शुरुआत बिल्कुल अल्फ़ाबेट से करना चाहिए, और वो आपका है अल्फ़ाबेट। शुरुआत बिल्कुल ही बेसिक से करें और बेसिक में हर एक चीज़ को जानें। तो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है, पहले ये जान लो, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले पहले उस बेस को जान लो कि वो बेस क्या है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब लेटर्स, यानी कि आप अल्फ़ाबेट्स मत बोलना, अल्फ़ाबेट बोलना, चूँकि अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। ठीक है, ये नहीं बोलना कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है। कुछ नाउंस के पहले एस, कुछ नाउंस के साथ एस लगा देने से उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। जैसे ड्रग का मतलब मेडिसिन और ड्रग्स नशीला पदार्थ, अब्यूज़ का मतलब गाली, अब्यूजेज सामाजिक कुरीतियाँ, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएँ। इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो वर्ण का मतलब हुआ लेटर और माला का मतलब हुआ गार, यानी कि लेटर का एक समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, राइट? यानी लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर हुआ? तो लेटर, जैसे तुमने लिखा ए, तुमने लिखा सी, तो दिस इज अ लेटर। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर जो है अल्फाबेट का एक इकाई भर है और कुछ नहीं है। लेटर और अल्फाबेट में अंतर क्या है? तो लेटर एक पूरे 26 अल्फाबेट के जो है लेटर्स के एक समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं, और लेटर उस समूह का एक छोटा सा इकाई है, एक भाग है। तो ए और सी या बी जो भी बोलते हैं, यह अल्फाबेट नहीं है, यह लेटर है, राइट? अब हम बात करें अल्फाबेट का, तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी पार्ट होते हैं, ए से लेकर के जेड तक जितने पार्ट होते हैं, इस सारे पार्ट को हम अल्फाबेट कहते हैं। चाहे ए ही ए हो, या ई हो, या आई हो, या यू, वी, W, X, Y और Z, इस सारे पार्ट को हम अल्फाबेट कहते हैं, राइट? कॉपी में लिखते चलो साथ साथ, वेट मत करो, इंतजार मत करो, फटाफट लिखो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। स्लो मूवर नहीं, फास्ट मूवर। हमने कहा A, E, I, O, U, इस पांच को हम वॉवेल्स बोलते हैं। प्रश्न उठता है क्यों बोलते हैं, अभी बात करता हूं। बाकी पार्ट को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और W और Y को हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। तो हमने क्या वॉवेल्स, हमने कहा कॉन्सोनेंट्स, हमने कहा सेमी वॉवेल, तो W और Y को सेमी वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। प्रश्न उठता है कि आप छोटे बच्चे थे तब भी वॉवेल्स पांच था, आज इतने बड़े हो गए तब भी पांच है, आपकी उम्र बढ़ गई लेकिन इसकी संख्या नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि वॉवेल्स पांच नहीं होते, वॉवेल्स होते हैं 20, कॉन्सोनेंट होते हैं 24, दोनों मिलकर के हो गए तुम्हारे 44, या 44 तुम्हारा कहता है वॉवेल्स, ये तुम्हारा 44 कहलाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये फोनिम साउंड होता है। चूंकि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं जरा बताना, बताओ जरा हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? नहीं पता ना, हिंदुस्तान के हो लेकिन यह नहीं पता कि हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं, 36, 48, 42 ना, ऐसा गलती ना करना, 52 होते हैं, यानी हिंदी में 52 और अंग्रेजी में कितने, 26। बोलो जस्ट हाफ है कि नहीं, जस्ट आधा है कि नहीं? जब आधा है तो एक काम भी करता है आधा, इसलिए इसको पूरा करने के लिए 44 किया गया। क्यों सर? देखो बोर्ड पे, तुमने बचपन से पढ़ा का अंग्रेजी पढ़ा के, हिंदी में पढ़ा म, अंग्रेजी में पढ़ा एम, हिंदी में पढ़ा ल, अंग्रेजी में पढ़ा एल। बोलो ऊपर से लाइन खींचा, कमल हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, हुआ ना कमल? फटाफट बोलो, कमल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ बताओ के एम एल, कमल हुआ क्या? बोलो नहीं सर, कमल नहीं हुआ। तो भाईबू, ये कमल अगर नहीं हुआ तो फिर के से का होता है कि नहीं होता? जब के से का होता है, जब के से का होता है, एम समा होता है, एल सला होता है, तो फिर ये भी कमल है, कमल पढ़ो इसे। तो अब आपको ट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि ये आधा होता है,
के का मतलब आधा का आधा ला, इसे पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। अब हो गया तुम्हारा कमल, क्योंकि 26 और 52 हिंदी में 52, अंग्रेजी में 26, इसीलिए इसको हम आधा बोलते हैं। इसको पूरा करने के लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में वोवेल होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट होते हैं 24, तो इसको मिला दिया तो 44 और हिंदी के समरूप हो गया, क्योंकि यहाँ 52 है जिसमें 52 काम के नहीं आते, 48 ही काम के आते हैं, तो लगभग समकक्ष हो गया, इसलिए राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग जितने भी राइटिंग करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से करते हैं, तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होता है। तो जब हमने बात करा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो वोवेल की संख्या समझ जाओ, इसको साउंड अगर पढ़ा दूं तो ये 20 जो है आपको कवर हो जाएगा और 24 कवर हो जाएगा। तो इसको अल्फाबेट और वोवेल कॉन्सोनेंट को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा साउंड, जिसका नाम क्या है, साउंड। इस वीडियो को 4 बार देखो, 10 बार देखो और पूरे विश्व में फैला दो जब तक सबको समझ में ना आ जाए। यहां पर हमने बात करा साउंड का, साउंड की बात करें, एक इस तरह का आप फोटो बनाइए अपने मस्तिष्क में और अपने कॉपी में बना लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का मतलब कंठ, यहां से जो बाहर निकल जाए उसे वोकल कहते हैं। ये हो गया टंग, ये हो गया टीथ, ये हो गया आईज, ये हो गया ईयर, ये हो गया हियर, ये हो गया लिप्स, एलिप्स हो गया। तो जो भी साउंड यहां से बाहर निकलेगा बोलो बच्चे, उस साउंड को तुम वोकल साउंड कह सकते हो कि नहीं। जो भी कंठ से बाहर निकल जाए उस साउंड को हम बोलते हैं वोकल साउंड। जो भी बाहर निकल जाए उसे वोकल साउंड कहते हैं, और जिसमें लिप्स लग जाए, टीथ लग जाए, टंग लग जाए, बॉडी लग जाए, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड, अब यहां पे दो बार ध्यान रखना, जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो, जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। अल्फाबेट का मतलब एबीसीडी नहीं, अल्फाबेट का मतलब साउंड, यानी कि जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो, कंठ से हो, उसके पहले आर्टिकल एन लगाना। अभी हजारों एग्जांपल दूंगा, वेट करो, इंतजार करो, हजारों एग्जांपल दूंगा। वोकल कॉर्ड से निकल जाओ उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से जिसमें लिप्स लग जाए, टिथ लग जाए, टंग लग जाए, उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। अभी हजारों एग्जांपल दिखाऊंगा जिसका उच्चारण यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन, एंड अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टिथ टंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट टेक्स द आर्टिकल ए, वहां आर्टिकल ए लगाते हैं। तुरंत चेक करो, अभी तुरंत लगाकर चेक करो और देखो कि जो बातें कही वो सत्य है या नहीं है। एग्जाम में, एसएससी में, यूपीएससी में हजारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी चेक करो। हमने लिखा एच, बोलो एच प्योर कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, है ना कॉन्सोनेंट, लेकिन यहां चेक करो, एच से पहले हमने लगाया एच ओ यू आर, हमने लगाया एच ओ आर एस ई हॉर्स। सुनना गौर से, वह साउंड जो बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहता है, उसे कहते हैं वोकल साउंड। क्योंकि कंठ, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो कंठ का प्रयोग करता है, उसे कुछ बोलना नहीं आता, उसे पापा मामा बोलने नहीं आता, लेकिन चिल्लाना तो आता है ना, रोना तो आता है ना, इसलिए उसको कहते हैं वोकल साउंड। क्या बोलते हैं, वोकल साउंड। वहां क्या लगाएंगे, एन। अब यहां पर एच है, यह भी एच है, इसको बोलते हैं आर, 10 आर्स, 2 आर्स, 1 आर, एन आर। तो एन आर क्यों लगेगा, क्योंकि साउंड वोकल है। यहां है हॉर्स, हॉर्स जिसमें बॉडी काम कर जाता हो वहां ए लगाते हैं। जबकि देखो एस तुम्हारा कॉन्सोनेंट था, फिर भी एन और ए ले रहा है कि नहीं ले रहा है, दोनों का राइटिंग सेम, एच ओ एच ओ है कि नहीं, फिर भी यहां पे एन, यहां पे ए ले रहा है, इसे सीखना है। हमने एग्जाम्पल लिया यू, और यू से लिखा यहां पे हमने अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब पढ़ना है पूरा साउंड पहला, अम्ब्रेला की यूम्ब्रेला, बोलो अम्ब्रेला, आ आ, वोकल कॉर्ड है, क्या लगाएंगे, एन। यहीं पे लिखा हमने यू एन आई वी आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी, यू 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 लिप्स काम कर रहा है, क्या लग जाएगा, आ यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला। समझ में आ रहा है, और देखो साउंड हमें लिया ओ, ओ से लिखा हमने ऑरेंज,
ऑरेंज साउंड या ऑरेंज क्या लेगा एन। अभी एसएससी सीपीओ बहुत सारे यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई वन आइड मैन, वन आइड मैन में क्या लेगा, तो वन आइड मैन में ए लेगा क्योंकि वन वन लिप्स काम कर रहा है। मैं पूछूं तुमसे कि भाई बॉय, मैं पूछूं फैन, मैं पूछूं पेन में क्या लेगा, तो ये सबको पता लॉलीपॉप है, बॉय लिप्स बॉय पेन फैन जाहिर बात है सब में लगाओगे, तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन अब इतना पढ़ने के बाद जरा एक चीज चेक करो और चेक करके मुझे बताओ कि जल्दी से जल्दी सोचो और मुझे बताओ कि भाई एक वर्ड ने दिया वाई ए आर, जो कि डब्ल्यू और वाई को हम क्या बोलते हैं बाबू, सेमी वोवेल, अभी बताया था ना, उसको लिख लो। तो ईयर, ईयर के साथ क्या लेगा जल्दी बताओ, हाथ उठाओ तुम बोल दो, बोलो ईयर के पहले कितने बच्चे लगाओगे जल्दी से, ईयर आंख बंद करो, ईयर ए कितने लोग, इतने लोग, गलत आंसर। अब यहां देखो फिर से एक बार लगाओ एन, क्या एन लगेगा, ईयर एन लग रहा है ना ईयर। अब देखो डब्ल्यू और वाई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो डब्ल्यू और वाई इसका साउंड वी आर इंडियंस भारतीय हो, तो भारतीय हो तो भारतीय की तरह ना अंग्रेजी बोलोगे, हर 10 किलोमीटर पर साउंड चेंज हो जाता है, इसलिए भारतीय होने के कारण साउंड नहीं निकल पाता, तो यहां पे ईयर का साउंड होता है ईयर, तब यहां पे ईयर। अब इतना टेंशन मत लो, एन हटा दो ए लगेगा। अब यहां ट्रिक्स क्या है वो समझो, दुनिया का कोई शब्द, क्या कहा, दुनिया का कोई शब्द अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू हो, अगर वहां पे आर्टिकल लगाना हो तो सिर्फ ए लगाना। इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, यू डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड, यू शुड एड द आर्टिकल ओनली ए। डब्ल्यू वाई से कोई शब्द शुरू हो अगर आर्टिकल लगाना चाहते हो ना तो क्या लगाना, ए लगाना। जैसे आ ईयर, एन येलो फ्लावर, एन येलो फ्लावर, एन एन नहीं आ येलो फ्लावर, एन वुडन चेयर, ना 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 आ वुडन चेयर, तो डब्ल्यू वाई से कोई सब शुरू हो तो क्या लगाना वहां, ए नॉट एन, आई आर आई येलो फ्लावर आ वुडन चेयर, यहां तक समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग अल्फाबेट की बात किए, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा जल्दी में काम कर रहा हूं ताकि आप सीख सको, वीडियो को आराम से पॉज करो, लिखो, फैलाओ, हर बच्चे को शेयर करो, क्योंकि मैं आराम से बोलूंगा, जल्दी में कोर्स आपका नहीं हो पाएगा, तो मैं जल्दी यहां करने के लिए आओ कर रहा हूं, और सब्सक्राइब करके पूरे भारत में फैला दो। वीडियो कहां कहां दे सकते हो आप, व्हाट्सएप पे दो, यूट्यूब पे दो, फेसबुक पे दो, हर जगह पे उन बच्चों की मदद करिए जिनकी आवश्यकता है, सबको जरूरत है, क्योंकि बेसिक ज्ञान सबके पास नहीं हो पाता। पूरे भारत में फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।